हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ। इसका टाइटल है विल पावर। विल पावर का मतलब होता है डिटर्मिनेशन टू डू समथिंग। इसको हम कह सकते हैं आत्मबल, और या तो हम कह सकते हैं दृढ़ संकल्प। आत्मबल या दृढ़ संकल्प, और यहाँ पे ये एक नाउन है। आइए अब स्टोरी शुरू करते हैं। एग्जैक्टली 300 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ the great scientist Galileo. So exactly मतलब ठीक 300 साल बाद गैलीलियो नामक महान वैज्ञानिक की मृत्यु के बाद, आफ्टर मीन्स बाद, स्टीफन विलियम हॉकिंग was born in Oxford, England on 8 January 1942. तो गैलीलियो के जो महान वैज्ञानिक थे गैलीलियो, उनकी मृत्यु के ठीक 300 साल बाद स्टीफन विलियम हॉकिन, उनका जन्म हुआ इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड में, और 8 जनवरी 1942 में उनका जन्म हुआ। लिटिल डिड हिज पेरेंट्स नो दैट स्टीफन वुड बी हेल्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट्स ऑफ दिस सेंचुरी। देखिए, लिटिल डिड हिज पेरेंट्स नो, ये वाली जो फ्रेज है लिटिल डिड और somebody नो, जैसे कि हम ऐसे आपने सुना होगा little did he know, little did she know, तो इसका मीनिंग आपको बताती हूँ। तो ये एक एडवांस इंग्लिश का स्ट्रक्चर है little did he know। इसका मतलब होता है used to say that someone did not know or think that something would happen or was true, कि किसी को पता नहीं था कि आने वाली जो चीज होने वाली है वो, तो ये सही होने वाली है। अब सेंटेंस में देख लीजिए एक बार, little did he know that his surprise party was already being planned by his friends, कि उसको बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि कोई सरप्राइज पार्टी फ्रेंड्स उसके प्लान कर रहे हैं। तो लिटिल डिड ही नो मीन्स उसे मालूम नहीं था। इस फ्रेज का क्या मतलब हो गया, उसे मालूम नहीं था। अब ही को हम रिप्लेस कर सकते हैं शी से, लिटिल डिड दे नो, यहाँ पे है हिज पेरेंट्स नो। एक और सेंटेंस आप देख सकते हो, शी वॉक्ड इनटू द रूम, वो कमरे में आई, लिटिल डिड शी नो दैट हर लाइफ वॉज अबाउट टू चेंज फॉर एवर, कि उसको बिल्कुल मालूम नहीं था कि उसकी लाइफ चेंज होने वाली है। इस तरीके से हम एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, लिटिल डिड ही नो। अभी आपको बताया ही के बदले शी हो सकता है, इट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब इसको समझते हैं, लिटिल डिड हिज पेरेंट्स नो, उसके माता पिता को पता नहीं था, दैट कि स्टीफन वुड बी हेल्ड एज, कि स्टीफन को माना जाएगा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ दिस सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब होता है शताब्दी, इस शताब्दी का ग्रेटेस्ट मीन्स महानतम, सबसे महान साइंटिस्ट माना जाएगा, इसके रूप में स्वीकार किया जाएगा, उसका स्वागत किया जाएगा। तो आफ्टर स्कूलिंग स्टीफन जॉइंड यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड एंड स्टडीड फिजिक्स। तो अपनी स्कूलिंग करने के बाद स्टीफन ने ज्वाइन किया, एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी कॉलेज में ऑक्सफोर्ड में, और उसने वहां पे फिजिक्स पढ़ी। आफ्टर ऑब्टेनिंग अ फर्स्ट क्लास डिग्री इन नेचुरल साइंसेज, अब उसको उसमें कॉलेज में फर्स्ट डिवीजन आई उनकी, फर्स्ट क्लास डिग्री इन नेचुरल साइंसेज। यहाँ पे जो नेचुरल साइंसेज है इसका मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल वर्ल्ड, प्राकृतिक दुनिया को समझना, थ्रू अ ब्लेंड ऑफ बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड अर्थ साइंसेज। तो उन्होंने फर्स्ट क्लास डिग्री हासिल करी नेचुरल साइंसेज में। ही वेंट टू कैम्ब्रिज टू डू रिसर्च, फिर वो कैम्ब्रिज चले गए रिसर्च करने के लिए, आगे पढ़ने के लिए और हायर स्टडीज करने के लिए। सिंस 1979 ही हैज हेल्ड द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स, द वन हेल्ड बाय आइजक न्यूटन इन 1663। और फिर 1979 से, यहाँ पे सिंस का यूज किया गया है कि पॉइंट ऑफ टाइम, कि 1979 से, इस साल से, ही हैज हेल्ड, उन्होंने संभाला है, द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, प्रोफेसर के पद को संभाला है, ऑफ मैथमेटिक्स, तो गणित के सब्जेक्ट में, द वन हेल्ड बाय आइजक न्यूटन, जो पद की संभाला गया था आइजक न्यूटन के द्वारा 1663 में, तो उसी पोजीशन को इन्होंने भी संभाला है 1979 से। एट द एज ऑफ 17, तो जब वो 17 साल के हुए, स्टीफन स्टार्टेड नोटिसिंग दैट ही वॉज बिकमिंग इंक्रीजिंगली क्लम्जी। जब वो 17 साल के हुए तो उन्होंने ये उनके ध्यान में आना शुरू हुआ ठीक है, स्टार्टेड नोटिसिंग, तो उन्होंने नोटिस करना शुरू किया, उनके ध्यान में आना शुरू हुआ दैट ही वॉज बिकमिंग इंक्रीजिंगली क्लमजी। अब क्लमजी का मतलब होता है, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कोई जो लापरवाही से काम करता है, बेढंगे तरीके से काम करता है, केयरलेसली, और वो बढ़ते जा रहे हैं, मतलब बेढंगे होते जा रहे हैं, उनसे काम नहीं हो पा रहा है ढंग से, ये उन्होंने नोटिस किया। ही वॉज बिकमिंग इंक्रीजिंगली क्लमजी एंड इवन फेल डाउन अ कपल ऑफ टाइम्स फॉर नो रीजन, और यहाँ तक कि वो गिर भी गए कई बार, मतलब कपल ऑफ टाइम्स, एक दो बार से ज्यादा गिर गए, फॉर नो रीजन, और किसी भी कारण नहीं था उस टाइम पे, क्यों गिरे उनको तो समझ में नहीं आया, फॉर नो रीजन, बिना कारण के एक दो बार वो गिर भी गए, ये उन्होंने नोटिस किया। शॉर्टली आफ्टर हिज 21st बर्थडे ही वॉज टेकन टू हॉस्पिटल एंड मेड टू अंडरगो अ नंबर ऑफ टेस्ट्स। शॉर्टली मीन्स तुरंत बाद, आफ्टर मीन्स बाद, उनके 21वें जन्मदिन के तुरंत बाद, शॉर्टली आफ्टर मीन्स तुरंत बाद 21वें जन्मदिन के, ही वॉज टेकन टू हॉस्पिटल, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, एंड मेड टू अंडरगो अ नंबर ऑफ टेस्ट्स, और कई परीक्षणों से उन्हें गुजरना पड़ा। टेस्ट मतलब जैसे मेडिकल टेस्ट है, जैसे कि ब्लड टेस्ट हुआ होगा, और भी कई MRI, कई अलग अलग टाइप्स के उनको टेस्ट से होकर गुजरना पड़ा। ही वॉज शॉक्ड, वो बिल्कुल हैरान हो गए, सदमे में आ गए, भौचक्के रह गए। वेन ही रियलाइज्ड ही हैड एन इनक्योरेबल डिजीज, जब उनको समझ में आया कि, या कह सकते हो कि उन्हें एहसास हुआ कि उनको तो एक ऐसी बीमारी है जो इनक्योरेबल है, जो ला इलाज है, जिसका कोई इलाज नहीं हो सकता। इनक्योरेबल मीन्स ला इलाज, और डिजीज हो गया बीमारी। अ टाइप ऑफ स्क्लेरोसिस, अ टाइप ऑफ स्क्लेरोसिस। देखिए स्क्लेरोसिस का मीनिंग होता है कि अ डिजीज इन विच इम्यून सिस्टम डैमेजेस द कवरिंग ऑफ नर्व्स, तो हमारी नर्व्स को कुछ डैमेज हो जाता है, विच वीकेंड हिज मसल्स, जिसकी वजह से उनकी मसल्स कमजोर पड़ती जा रही थी। तो अब उनको पता लगा कि असली में क्यों वो गिर जाते थे बिना किसी रीजन के, या तो अजीब तरीके के, मतलब लापरवाह तरीके से क्यों वो काम कर रहे हैं और क्यों बनते जा रहे हैं। तो अब उनको समझ में आया it was a type of disease, type of sclerosis, which weakened his muscles. The physicians predicted an early death for him. यहाँ पे physicians मतलब जो उनकी चिकित्सा कर रहे थे, उनका इलाज कर रहे थे, उन डॉक्टर्स की बात की जा रही है कि जो चिकित्सक थे, predicted उन्होंने भविष्यवाणी करी या उन्होंने कहा एन अर्ली डेथ, मतलब कि जल्दी ही उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो ये उन्होंने उसके लिए भविष्यवाणी करी। प्रेडिक्टेड एन अर्ली डेथ फॉर हिम, स्टीफन हॉकिंग के लिए अर्ली डेथ मतलब शीघ्र ही इनकी मृत्यु हो जाएगी इस बीमारी के कारण, ऐसी भविष्यवाणी करी। ही वेंट बैक टू कैम्ब्रिज एंड कैरिड ऑन हिज रिसर्च, तो वो वापस कैम्ब्रिज आ गए फिर, और उन्होंने जारी रखा अपना रिसर्च का काम। ही वॉज नॉट एबल टू मेक मच प्रोग्रेस, लेकिन वो मच प्रोग्रेस मतलब ज्यादा प्रगति नहीं कर पा रहे थे या नहीं कर पाए, वॉज नॉट एबल टू नहीं कर पाए ज्यादा प्रोग्रेस, ज्यादा प्रगति। ही थॉट उन्होंने सोचा, थिंक का पास्ट टेंस हो गया थॉट, उन्होंने सोचा दैट ही माई नॉट लिव फॉर लॉन्ग, कि वो ज्यादा जीवित हो सकता है न रहे, अधिक टाइम तक, अधिक समय तक वो क्या पता जीवित ही ना रहे। एंड दैट हिज PhD वुड नेवर बी कम्प्लीटेड, और अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं वो, PhD की फुल फॉर्म होती है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, तो जो PhD कर रहे हैं हो सकता है वो कभी भी पूरी ना हो सके, वुड नेवर बी कम्प्लीटेड। हाउएवर ही फिनिश्ड इट, हालांकि बाद में उन्होंने इसको कंप्लीट किया, उन्होंने फिनिश किया, पूरा किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टीफन हॉकिंग्स एक चेयर पे बैठे हैं। एज हिज साइंटिफिक रेप्यूटेशन इंक्रीज्ड, रेप्यूटेशन मीन्स उनका नाम हुआ, उनकी प्रतिष्ठा, इंक्रीज्ड मीन्स बढ़ी, और जैसे जैसे उनकी विज्ञान से संबंधित या वैज्ञानिक प्रतिष्ठा बढ़ी, हिज डिसेबिलिटी गॉट वर्स, डिसेबिलिटी मीन्स विकलांगता, गॉट वर्स मीन्स वो और भी बदतर हो गई, बैड से वर्स, कंपैरेटिव डिग्री है ये कि जितनी अभी उनकी हालत थी उससे भी ज्यादा बदतर हो गई उनकी जो डिसेबिलिटी, विकलांगता थी। इवन फीडिंग हिमसेल्फ एंड गेटिंग इन एंड आउट ऑफ बेड बिकेम डिफिकल्ट, अब देखिए हालत बहुत खराब हो गई, तो यहाँ बोला गया है कि इवन फीडिंग हिमसेल्फ मतलब खुद खाना खाना एंड गेटिंग इन एंड आउट ऑफ बेड और बिस्तर में पहले लेटना या उठना बिस्तर से बिकेम डिफिकल्ट उनके लिए मुश्किल हो गया। इन 1980 ही हैड टू रिलाई अपॉन नर्सेस। अब जब 1980 का वर्ष आया तो उनको पूरी तरीके से रिलाय मतलब निर्भर होना किसी के ऊपर, तो उनको निर्भर होना पड़ा कंप्लीटली नर्सिस के ऊपर। वो उनका ध्यान रखती थी फिर, तो उनको निर्भर होना पड़ा नर्सिस के ऊपर। इन 1985 ही अंडरवेंट एन ऑपरेशन इन द विंड पाइप। फिर 1985 में क्या हुआ, उनको गुजरना पड़ा, अंडरवेंट गुजरना पड़ा एक ऑपरेशन के थ्रू जो कि उनके विंड पाइप में किया गया, सांस लेने की नली में उनके ऑपरेशन किया गया। आफ्टर दिस ही नीडेड 24 आवर्स नर्सिंग केयर। ऑपरेशन के बाद उनको जरूरत थी 24 घंटे की केयर की, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि देखभाल की जरूरत थी। बिफोर द ऑपरेशन हिज स्पीच वॉज नॉट क्लियर। तो इस ऑपरेशन से पहले जब वो बोलते थे, जो उनकी स्पीच थी, बोलने का तरीका था, वो क्लियर नहीं था, समझ नहीं आता था, स्पष्ट नहीं था। बट एटलीस्ट ही कुड कम्युनिकेट, लेकिन फिर भी एटलीस्ट वो अपनी बात को दूसरे की तरह पहुंचा सकते थे, दूसरे के लिए पहुंचा सकते थे। बट आफ्टर द ऑपरेशन, लेकिन इस ऑपरेशन के बाद ही लॉस्ट हिज एबिलिटी टू स्पीक। उसके बाद तो जो उनकी क्षमता थी, एबिलिटी क्षमता, बोलने की क्षमता, वो तो बिल्कुल उन्होंने खो दी। लॉस्ट मीन्स खो दी। हाउएवर अ कंप्यूटर प्रोग्राम स्पेशली डिवाइज्ड फॉर हिम। तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि खास तौर पर, स्पेशली मीन्स खास तौर पर, डिवाइस्ड फॉर हिम, उन्हीं के लिए बनाया गया था या तैयार किया गया था। डिवाइस मतलब यहाँ पे तैयार किया था, स्पेशली खास तौर पर उनके ही लिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि तैयार किया गया था। हेल्प्ड हिम कम्युनिकेट, तो उसकी मदद से उन्हें संवाद करने में या कम्युनिकेट करने में, दूसरों के आगे अपने विचार रखने में मदद मिली। यूजिंग दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को यूज करके अ बुक हैज बीन रिटन, एक बुक भी लिखी गई है। एंड डजन्स ऑफ साइंटिफिक पेपर्स हैव बीन प्रेजेंटेड, और डजन्स मतलब दर्जनों साइंटिफिक पेपर्स, साइंस से रिलेटेड, विज्ञान से रिलेटेड पेपर्स हैव बीन प्रेजेंटेड मीन्स पेश किए गए हैं। मैनी साइंटिफिक टॉक्स हैव ऑल्सो बीन गिवन, और काफी सारी और साइंस से संबंधित जो भी चर्चाएं हैं वो भी उन्होंने इसी डिवाइस के थ्रू, इस प्रोग्राम के हेल्प लेकर दी हैं। ही वॉज अवॉर्डेड, उन्हें सम्मानित किया गया मेडल से, प्राइजेस इनामों से, एंड 12 ऑनररी डिग्रीज। एच साइलेंट है यहाँ पे, ऑनररी डिग्रीज। तो ऑनररी का मतलब होता है गिवन एज एन ऑनर, एक सम्मान के रूप में दिया गया। विदाउट नीडिंग सर्टिफिकेट्स, मतलब सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है इसके लिए मिलेंगे, लेकिन ऑनर में दिया गया डिग्रीज, तो उनको ये करीब दर्जन डिग्रीज भी मिली। फ्रॉम द लाइफ ऑफ स्टीफन हॉकिंग इट इज अंडरस्टूड दैट वन नीड नॉट लूज होप। तो अगर हम स्टीफन हॉकिंग की लाइफ के बारे में बात करें, उनके जीवन के बारे में बात करें, इट इज अंडरस्टूड, ये तो क्लियर है, ये तो क्लियरली समझ आता है, ये तो समझ आता है कि वन नीड नॉट लूज होप। नीड नॉट मीन्स कि जरूरत नहीं है, होप मीन्स आस्था, आशा, लूज होता है खोना, कि उम्मीद खोने की जरूरत नहीं है। तो उनके जीवन से हमको यही समझ में आता है कि किसी को भी उम्मीद खोने की जरूरत नहीं है। हिज लाइफ इज एन एग्जाम्पल दैट डिसेबिलिटी नीड नॉट प्रिवेंट वन फ्रॉम रीचिंग ग्रेट हाइट्स। तो उनकी जो ये जीवन है वो तो एक जीता जागता उदाहरण है कि विकलांगता, डिसेबिलिटी, विकलांगता नीड नॉट प्रिवेंट वन, वो रोक नहीं सकती, प्रिवेंट मीन्स रोकना, तो रोक नहीं सकती किसी को भी, वन यहाँ पे किसी को भी, फ्रॉम रीचिंग ग्रेट हाइट्स, ऊंचाइयों तक पहुंचने में किसी को भी रोक नहीं सकती अगर कोई विकलांग है तो भी। While Stephen William Hawking inspired the whole world, वहीं जहां स्टीफन विलियम हॉकिंग ने इंस्पायर, प्रेरित किया पूरी दुनिया को, होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया को, विद हिज अनक्रशेबल स्पिरिट। यहाँ पे जो स्पिरिट है वो जज्बा है, और कैसा जज्बा है, अनक्रशेबल, जिसको क्रश नहीं किया जा सकता, जिसको दबाया नहीं जा सकता। तो ऐसा जज्बा को, ऐसे जज्बे को लेकर, एंड विल पावर, इच्छा शक्ति, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, हु इंस्पायर्ड हिम, कि उनको किसने प्रेरित किया था, रीच सच ग्रेट हाइट्स, इतनी ऊंचाइयों, इतनी महान ऊंचाइयों तक पहुंचने में उनको किसने मदद किया था, उनको किसने प्रेरणा दी थी, ही वॉज नन अदर देन हिज मैथमेटिक्स टीचर, वो कोई और नहीं था बल्कि नन अदर देन, ठीक है, वो कोई और नहीं था, वो उनके मैथ्स के टीचर थे डिक्रन ताहता। तो उनके जो मैथ्स के टीचर थे उन्होंने उनको प्रेरित किया था, उनका नाम था डिक्रन ताहता। अब एक बार वर्ड मीनिंग्स रिवाइज कर लेते हैं। हेल्ड मीन्स प्रेज्ड पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करना, तारीफ करना। स्क्लेरोसिस है अ मेडिकल कंडीशन इन विच अ पार्ट इनसाइड द बॉडी बिकम्स हार्ट, जो एक मेडिकल कंडीशन है जब हमारी बॉडी, शरीर के अंदर कोई पार्ट एक हार्ड बन जाता है। रेप्यूटेशन फेम या पॉपुलैरिटी, प्रसिद्धि। रिलाय डिपेंड, निर्भर होना। और ऑनररी डिग्री का मतलब है, ये नाउन फ्रेज है, अ डिग्री दैट इज अवॉर्डेड इन रिकॉग्निशन ऑफ वंस सर्विस टू अ पर्टिकुलर फील्ड, किसी भी विशेष क्षेत्र में किसी की सेवा की मान्यता में उसको ऑनररी डिग्री देना, उसके सम्मान में उसको डिग्री देना, क्योंकि उसने किसी क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में सेवा दी है। तो अगर हम में इच्छा शक्ति है, आत्मबल है, तो हम तूफानों को भी चीरकर अपनी मंजिल तक तो पहुंच ही सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।